शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं त्याग और वैराग्य का साक्षात स्वरूप अनंत विभूषित प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्राणी मात्र का श्रेय और प्रेय दिखाने वाले अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं तपोनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ परिभाजिक आचार्य प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सभी संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रिय भक्तजनों भक्तवती माताओं युवान दोस्तों प्यारे बच्चों आप सब के हृदय में विराजमान भगवती गंगा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कई दफा हम आपको बता चुके हैं और बातों बातों में हुई है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति तो होती है पर साथ साथ में श्रद्धावान का सभी कार्य भगवत कृपा से हो जाता है। देखो नरसी का जीवन दर्शन करो। भक्त नरसिंह जी केवल और केवल ईश्वर आधारित थे। मेरे कृष्ण मेरा ठाकुर जो करेगा वो मुझे ठीक है, अच्छा करे बुरा करे जो उसको करना करे मैं तो उसके अधीन हूँ। यदि कोई जीव गुरु शरण में या ईश्वर शरण में समर्पित हो जाए लेकिन उसमें शर्त यह है कि दोष दृष्टि मिटनी चाहिए। थोड़ा सा कष्ट आ जाए तभी हम ईश्वर को आरोपित करने लग जाते हैं, अरे प्रभु हम तो इतने समय से माला करते हैं, इतने समय से जप करते हैं, इतने समय से पूजा करते हैं, हमको तो कोई फल मिला ही नहीं और उल्टे दुखी हो रहे हैं। ये आरोप ठीक नहीं है। ईश्वर में गुरु में आरोप लगाना नहीं चाहिए, ये बड़ा अपराध है। वृंदावन में एक वैद्य अपनी छोटी सी दुकान चलाता था और भगवान श्री कृष्ण के इतना प्रेमी था और पूर्णतया उन पर विश्वास था। अपनी पत्नी एक लड़की उसके थी और अपने गांव से वृंदावन आते थे, दुकान खोलते थे और आते समय पत्नी को पूछते थे, हे देवी आज क्या जरूरत है वो चिट्ठी लिख दो। तो भगवती भक्ति वो चिट्ठी लिख देती थी कि आज दाल चाहिए, चावल चाहिए, मसाला चाहिए, जो कुछ चाहिए वो चिट्ठी लिख देती थी। दुकान खोल के अपने इष्ट का स्मरण करके चिट्ठी पढ़ता था और चिट्ठी पे लिखता था, कन्हैया दाल इतने की आएगी, चावल इतने का आएगा, आटा इतने का आएगा, मसाला इतने आएगा, इतना रुपये की मुझे आवश्यकता है, ये कान्हा आज मुझे इतना रुपया दे देना ताकि मेरा घर चले, मुझे किसी पास मांगना नहीं पड़े। बस चिट्ठी रख देता था और दो चार दर्दी जो आया उसको दवाई देता था।
दवाई वहां तक देने की है जितना काना को चिट्ठी में लिखा था कि इतना रुपया की मुझे आवश्यकता है, बस उतना ही पेशेंट लेते थे, दर्दी तपासते थे, दवाई देते थे, उसके बाद दुकान बंद कर देते थे और उसका रोज का रोज सामान लाने का, परिग्रह करने का नहीं, संग्रह करने का नहीं। क्या ईश्वर निष्ठा है होगी, ग्रस्त होते हुए भी क्या अपने इष्ट पर प्रेम होगा और अपने इष्ट पर विश्वास होगा। एक दिन वैद्य पत्नी ने चिट्ठी लिख दिया, दुकान खोली, अपने इष्ट का स्मरण किया कि प्रभु क्या करूं, गृहस्थाश्रम में है इसलिए आपको छोड़ के मुझे यहाँ आना पड़ता है, नहीं तो आपको छोड़ने का मन नहीं होता है, मैं सदैव आपके साथ रहूं, प्रभु क्या करूं। ऐसा करके चिट्ठी खोली, वो काना को कहा, काना अब तो खाली दाल चावल और आटा ही लेने का है और मसाला तो पड़ा होगा घर में, तो इतने रुपया चाहिए। लेकिन आगे चिट्ठी पढ़ के वो आश्चर्य में पड़ गई है, अरे कहना ये तो भाग्यवान ने क्या लिखा है आगे, वो तो तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, ये मेरा काम नहीं है, ये काम तुम्हारा है। ऐसे करके चिट्ठी में लिखा कहना ये जो आगे का लिखा है धर्मपत्नी ने, वो काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। ऐसे करके चिट्ठी अपने मेज में रख दिया, दो चार दर्दियों को दवाई देनी थी उसी में उसका जो आज का गुजारा करने का था वो मिल गया। जैसे दुकान बंद करने की व्यवस्था कर रहा था उसी में एक सज्जन आए, आके कुर्सी पर बैठ गए, तो वैद्य ने कहा भाई आपको दवाई लेनी है क्या? बुद्ध दवाई नहीं लेनी, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे पहचाना का नहीं आपने? बोले मैंने तो नहीं पहचाना भाई। बोले आज से मैं 10-12 साल पहले आपके यहाँ दवाई लेने आया था, और जगह पे मैंने दवाई किया, कई जगह पे दवाई किया, लेकिन हमको संतान नहीं होते थे, फिर आपने दवाई लिया और मैंने कहा भाई संतान मेरे भाग्य में लगते नहीं है, नहीं होगी ऐसा लगता, थक गया हूँ मैं। तो आपने कहा था देखो मेरा काना जो है अब बहुत उदार है, उनकी कृपा से, वो कृपा करेगा तो आपको संतान हो जाएगी, दवाई से कुछ नहीं होगा, वैद्य डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं, इनकी कृपा हो जाएगी तो हो सकता है, आप उनकी कृपा पात्र बनना, आप उनकी कृपा के पात्र बनना, पति पत्नी दोनों उनको स्मरण करना, उनसे प्रार्थना करना, उनको मनाना तो हो जाएगी। और वो दवाई देर की पड़ी को मान रहे थे, बोले आप पूड़ी की जो है दवाई की बना रहे थे, जब तैयार हो गई पूड़ी के तो उस पर एक पर लिखा काना, एक पर लिखा राधा। बोले ये पूड़ी को आप लेना और काना से प्रार्थना करना, आप पर कृपा करेंगे। बोले वैद्य वो दवाई लेके गए हम, फिर तो हम इंग्लैंड चले गए, वहाँ उस दवाई का उपयोग करते थे और काना और राधा की कृपा से हमको 3 संतान हुए, और मैं 15-20 साल के बाद यहाँ आया हूँ। वृंदावन में एक मेरी बहन रहती है और विधवा बहन है, उसकी एक बेटी की शादी है, शादी थी उस कारण से मैं आया हूँ, और पैसे लेके आया था वहाँ से, शादी के सब तैयारी हमको करनी थी, तो दहेज में देने के लिए जो सामान चाहिए वो मैंने मेरी गाड़ी से बहन को कि भांजे को, बहन के लड़की को, हमने कहा भाई ड्राइवर ले जा, गाड़ी ले जा और ये पैसा ले जा, जो सामान तुमको लेना है वो शहर में जाके ले आओ। 2-4 दिन लगे तो भले लगे, रिश्तेदार अपने हैं वहाँ ठहर जाना और सामान सब इकट्ठा कर लो। सामान तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन भांजे को बुखार चालू हो गया और 3-4 दिन इतना लगातार बुखार आया कि वो रिश्तेदार के घर में ही हरिओम तरचत हो गई, माने मर गई।
भगवान के प्यारे हो गए। और रिश्तेदार ने सामान सब हमारी बहन के यहाँ भेजा, हमारी पत्नी, और हमने विचार किया, करे ये क्या हो गया, एक आपके बेटे हमको याद आ गई। अरे जब हम दवाई लेने आया था आपकी बेटी छोटी थी, अब तो बड़ी हो गई, इसलिए मैं आया हूं कि जो कुछ दहेज हमने इकट्ठा किया है वो आपकी बेटी के लिए हम देना चाहते हैं, और शादी का जो खर्च है वो भी हम देंगे आपको, क्यों हमारी भांजी तो चली गई। तब मेज में से चिट्ठी निकाल के वही डीजे ने उसको दिया भाई को, देखो आज ही मैंने कान्हा को कहा था कि ये काम दहेज लाने का काम मेरी बेटी के लिए तुम्हारा है, मेरा नहीं, मेरा तो आटा दाल चावल की व्यवस्था करना, उनके लिए काम करने का व्यवस्था, ये तो सब बड़ा काम है तो तुम ही करो। तो शाम नहीं हुई, एक घंटा डेढ़ घंटा भी नहीं हुआ, उसमें कान्हा ने व्यवस्था कर दिया। ये सच्ची घटना हमको पता चला। देखो ये इसका नाम है श्रद्धा, इसका नाम है विश्वास। जब ये ईश्वर ऐसी भौतिक चीज की व्यवस्था कर सकता है तो वो ईश्वर मुक्ति की व्यवस्था नहीं करेगा। यदि आपके मन में कोई ईर्ष्या नहीं रहेगी, आपके मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी, तो वही ईश्वर, वही कान्हा, वही शिव, वही भगवती, वही गुरु, वही ब्रह्म आपकी मुक्ति की व्यवस्था करेगा ही। लेकिन इसमें मेन वस्तु है श्रद्धा। संशय आत्मा विनश्यति, शंका नहीं करना चाहिए। अरे हम इतने साल से पूजा करते हैं तो हमको तो लाभ नहीं हुआ। अरे भाई वो कोई ऐसा लाभ आने की बात छोड़ो, संपूर्णतया उन पर श्रद्धा रखो। अपने कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई छुटकारा नहीं। देखो बड़े बड़े दिग्गज संत हो गए जो भगवान के साथ बात करते थे, उन लोगों ने भी कर्म तो भोगना ही पड़ा ना। प्रारब्ध कर्म है, जो क्रियमाण कर्म संचित कर्म तो छूट जाता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म तो संतों को भी भोगना पड़ता है। लेकिन जब वो दुष्कर्म आते हैं तब संत को इसकी इफेक्ट पता नहीं चलता है। जैसे मैंने पहले दो चार दिन पहले कहा था कि सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द के दर्द की कोई टेबलेट आपने ले लिया तो दर्द तो चालू ही रहेगा, लेकिन आपको महसूस नहीं होता है कि दर्द है कि नहीं है। चलो अच्छा हो गया, मेरा सर दर्द मिट गया, मिटा नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है अंदर, आपको पता नहीं चलता है। ऐसे ईश्वर के साथ रहने से, गुरु के साथ रहने से, ग्रंथ के, धर्म के साथ रहने से आपको दुख का अनुभव नहीं होगा और वो सहज भाव से निकल जाएगा। जैसे सुख सहज भाव से निकल गया, वैसे दुख भी सहज भाव से निकल जाएगा। इसीलिए इस रास्ते पे आगे बढ़ने की जरूरत है। एक एक दिन हमारी आयुष्य में से कम हो रहा है। कल भजन करेंगे, कल जप करेंगे, कल वो करें, अरे मन लगे न लगे तब भी जप छोड़ो नहीं, बहुत जरूर। मन को एक संकल्प कर लो, भाई ध्यान करो, अच्छी बात है, हम कोई ध्यान का निषेध नहीं करते हैं, लेकिन कलयुग में ध्यान में बैठना थोड़ा सामान्य लोगों के लिए दुष्कर है। नाम स्मरण में कोई दुष्कर नहीं है, भले मन जाए, मन को जाने दो, जहाँ जाने हो जाने दो, आप अपना कर्तव्य पूरा करो। शाम तक इतना जप करना है, एक संकल्प कर लो, अपने कमरे में बैठ के वो संकल्प करो और भगवान को कहो कि तुमने मन, हमारा मन तो दूर ले गया था, मैं क्या करूँ, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। और हमारी बात नहीं, भगवत गीता खोल के देखो, अर्जुन ने प्रश्न किया है, चंचलो मन कृष्ण, ऐसा बलवान मन है, चंचल है कि मैं क्या करूं। भगवान ने कहा अभ्यास है न तो कौनते, हे कुंती पुत्र अभ्यास शुरू राख, छोड़ देगा, हार जाएगा, थक जाएगा तो कुछ नहीं होगा, तू चालू रख, मन लगे तब भी ठीक है, मन नहीं लगे तब भी ठीक है। जैसे कोई बिना मन से भी चलने लग जाए तो रास्ता कटता है कि नहीं कटता है, बिना मन से भी भोजन करते हैं कई लोग तो पेट भरता है कि नहीं भरता है, भले स्वाद की खबर पड़े कि नहीं पड़े। मैंने एक दफा बताया था, वो एक सीरियल चलती थी घर घर की कहानी, उसी में वो घर की मालकिन बहन जो है
कभी करेले की सब्जी नहीं खाए, लेकिन जो घर घर के कहानी के सीरियल आ जाए उस दिन उसको एक कटोरा करेले की सब्जी खिला दो, खा जाएगी। बाद में उसको पूछा कि सब्जी कैसे लगी, मुझे पता नहीं। और सीरियल देखते थे ना, ये मैं उसको पता नहीं चला कि करेला कड़वा है कि मीठा है, कैसा सब्जी थी। तो ऐसे आप जो है बिल्कुल श्रद्धा के साथ में दृढ़ होके मन लगा के नाम स्मरण में लग जाओ। और कलयुग में श्रेष्ठ नाम स्मरण किए माने ज्ञान विधान ये सब श्रेष्ठ है ही, उसका कोई निषेध नहीं करते हैं। लेकिन प्राइमरी स्तर पे जिनको इस रास्ते पे आना है उनको तो नाम स्मरण से ही वो आगे बढ़ेंगे। और खूब नाम स्मरण करते 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 अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप सब पात्रता आ जाएगी, सब पात्रता आएगी, सब कुछ आपको मिलेगा। चिंता क्यों करते, भौतिक चीज तो चुटकी का खेल है। जब मुक्ति तक दे सकते हैं हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर सर्वशक्तिमान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर, हमारा भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए ऊपर अविश्वास नहीं करना, श्रद्धा और प्रेम के साथ में उनसे जुड़ जाओ, आपका कल्याण जरूर होगा, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।